चलें आपको एक वाक्या और सुना देते हैं। बनी इसराइल में तीन आदमी थे, उनमें से एक आदमी के चेहरे के ऊपर बर्स के दाग थे। बर्स के दाग कहते हैं सफेद दाग हो जाते हैं। तो जब मुख्तलिफ दाग होते हैं ना जगहों पे, आंखों पे, नाक पे, होंठों पे, तो कई मरतबा बंदा बड़ा कभी उस शक्ल नजर आता है, देखने वाले को अजीब लगता है। इसलिए फुकहा ने मसला लिखा है कि अगर बर्स वाला बंदा घर में नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह उसको बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए कि ये मस्जिद में जाएगा तो नमाजी को देखेंगे तो हो सकते हैं उनकी तबीयत पे असर हो और उनकी नमाज में फर्क पड़ जाए, ये बेशक घर में ही नमाज पढ़ ले। अब उसके पास एक बंदा आया और उसने कहा सुनाओ भाई क्या हाल है। वो कहने लगा यार मैं क्या बताऊं, बर्स का मरीज हूं और खाने पीने को भी कुछ नहीं, तो बस मैं तो मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा हूं, लोग मुझे महफिल में बिठाना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। उसने दुआ दी ए अल्लाह इसका रिज्क भी खुला कर दे और इसके बर्स की बीमारी को भी खत्म कर दे। चुनाचे उसके बर्स की बीमारी भी खत्म हो गई और अल्लाह ने उसको एक ऊंटनी अता फरमाई और ऊंटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि कुछ अरसे में वो सैकड़ों ऊंटनों का और ऊंटनियों का मालिक बन गया, अमीर आदमी बन गया। फिर ये बंदा दूसरे के पास गया, दूसरा बंदा जो था वो सर पे गंजा था, बाल नहीं थे, फारिगुल बाल था। तो उसने उससे पूछा सुनाओ भाई क्या हाल है। तो इसने कहा कि भाई मैं तो गंजा हूं, लोग मेरे ऊपर हर वक्त ताने करते रहते हैं, टांट करते रहते हैं और मजाक मेरा उड़ाते रहते हैं और खाने पीने को भी मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रहा हूं। उस बंदे ने दुआ की, उसकी दुआ करने पर उसके सर पर बड़े खूबसूरत बाल भी आ गए और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत नजर आने लग गई और अल्लाह ने उसको एक गाय दी और गाय की नस्ल इतनी बड़ी कि वो सैकड़ों गायों का मालिक बन गया, लाइव स्टॉक का मालिक बन गया। फिर ये बंदा तीसरे के पास गया, तीसरा बंदा आंखों से अंधा था। इसने पूछा सुनाओ भाई क्या हाल है। उसने कहा भाई मैं क्या बताऊं, लोगों के लिए तो रात को अंधेरा होता है, मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा होता है, मैं तो ठोकरे खाता हूं दर दर की और मांग के खाना खाता हूं, मैं भी कुछ नहीं, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी हुई। उसने दुआ कर दी, अल्लाह ने इसको बिनाई भी अता फरमा दी और इसको एक बकरी दी और बकरी की नस्ल इतनी बड़ी कि ये सैकड़ों हजारों बकरियों का मालिक बन गया। ये तीनों आदमी बनी इसराइल के बड़े अमीर आदमी मशहूर हो गए, फलां भी सेठ साहब है, फलां भी सेठ साहब है और फलां भी सेठ साहब है। जब कई साल उनको नेमतों में गुजर गए तो एक बंदा उनमें से पहले के पास वापस आया, ये ऊंटों का मालिक था, और उसको कहा कि देखो भाई अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत शक्ल भी दी है और इतने ऊंट भी दिए हैं, माल पैसे भी दिए हैं, आपके पास तो कुछ नहीं था, आपको सब कुछ अल्लाह ने दिया, मैं उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूं। जब उसने कहा ना कि आपके पास तो कुछ नहीं था, अल्लाह ने सब कुछ दिया, अब इस बंदे को दिल के अंदर गुस्सा आया, तू कैसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मैं तो शुरू से अमीर हूं और मैं किसी का जो है लेके नहीं खाता, मैं तो कारोबार करता हूं और मेहनत करता हूं और मेरे पास मेहनत का ये नतीजा है। इसने नेमत को अल्लाह की तरह मंसूब नहीं किया, अपनी तरह मंसूब किया। उसने कहा कि अब आज के बाद अगर तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैं तुम्हें जूते मार के यहां से भगा दूंगा। उसने कहा कि भाई नाराज ना हो, जैसे तुम थे अल्लाह तुम्हें वैसे ही कर दे। ये कह के चला गया। अब इसके ऊंटों में एक बीमारी फैली वायरस की, सारे के सारे ऊंट मर गए, ये जैसा गरीब पहले था वैसा गरीब फिर बन गया और चेहरे के ऊपर सफेद दाग फिर इसके वापस आ गए। फिर वो बंदा दूसरे के पास गया जो गायों का मालिक था, लाइफ स्टॉक का मालिक था। उसको कहा अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, आपके पास तो कुछ नहीं था, अल्लाह ने इतना कुछ आपको दिया, उसी अल्लाह के नाम पे मैं मांगने आया हूं, भाई आप मुझे भी कुछ दे दें। उसको भी बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तुम्हारे घर से ला के खाता हूं,
یہ تو میں کاروبار سے کمایا ہے، اور میرا تو باپ بھی امیر تھا اور اس کا باپ بھی امیر تھا، میں تو جدی پشتی امیر باپ کا بیٹا ہوں، خبردار جو تم نے مجھے ایسی بات کہی۔ ایسی باتیں کرنے آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے بندے۔ جب اس نے ایسی بات کی، اس نے کہا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، جیسے آپ پہلے تھے اللہ آپ کو ویسا ہی کر دے۔ وہ تو چلا گیا، اب اس کے سر سے بال بھی سارے جھڑ گئے، یہ پھر فارغ البال ہو گیا، یہ پھر گنجا ہو گیا، اور اس کی جو ہے نا وہ گائیں بھی مر گئیں، یہ پھر اسی طرح جو ہے وہ فقر و فاقہ میں آ گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ جو تیسرا بندہ تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کی بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی پوری جگہ بکریوں نے بھر دی ہوئی تھی۔ اس نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، میں اسی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ پہ نام پہ کچھ مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ کہا، اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا بھائی تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا میں اندھا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ کے کھاتا تھا، پھر کسی بندے نے مجھے دعا دی، اللہ نے میری بینائی بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے مجھے بکریاں بھی دیں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب اللہ نے مجھے دی ہیں، اس اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے تم آئے ہو، جتنا تمہارا دل چاہے تم بکریوں کو لے جاؤ اللہ کے نام پہ۔ اس بندے نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے تین بندوں کی طرف امتحان کے طور پر بھیجا تھا، دو بندے اپنی اوقات بھول گئے، اللہ نے نعمتیں واپس لے لی، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے، اس بندے کو اللہ نے اور نعمتیں عطا فرما دی۔ تو جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔